आज नए दिन के साथ हम फिर से हाजिर हैं और यहाँ पे बनारस में हम लोग का दूसरा दिन है और किचन में आप देख सकते हैं इस समय कितनी हलचल हो रखी है क्योंकि इस समय नाश्ते का टाइम है और यहाँ पे नाश्ता प्रिपेयर हो रहा है और यहाँ पे कुछ लोग जो है वो नाश्ता कर चुके हैं और अभी कुछ लोग कर रहे हैं। तो चलिए सबसे जानते हैं कि आज के नाश्ते के बारे में सबकी क्या प्रतिक्रिया है। यहाँ से शुरू करते हैं। तनु आप बताइए। मम्मी तुम बताओ क्या बताए, नाश्ता कर रहे हैं, सब्जी बहुत अच्छी बनी है, पूरी बहुत अच्छी बनी है। इसको इमरती देना होगा, वहाँ से ले लेगा सब लोग। दलिया रखी है और ये देखिए दलिया में ये इमरती रखी हुई है कि ढेर सारी। ये देखिए जय गजानन, जय गजानन, जय गजानन, जय गजानन, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। ये यहाँ का सेंट्रल स्कूल था, रोज हम लोग इस रोड से निकलते थे। यहाँ दुकानें थी ना, कभी कुछ खरीदना होता था, कभी कुछ खरीदना होता था, तो ये जनरल स्टोर वगैरह और कॉपी किताबें की दुकानें, स्टेशनरी, आर्ट का सामान हम लोग को बहुत खरीदना रहता था, कलर वो सब। कल मम्मी भी बता रही थी ये ग्रुप आ गया, ये धर्मशाला गुरुद्वारा है इधर अंदर जाके। तो अभी हम लोग जा रहे हैं संकट मोचन मंदिर, ये सब स्मॉल ड्राइंग एम्पोरियर। मेरे साथ मेरी मौसी हैं जो हम लोग को बता रही हैं कि कैसे कैसे वो लोग अपने बचपन में क्या कहाँ कहाँ जाती थी, क्या क्या करती थी। कभी कभी हम लोग इस गेट से बाहर निकलते थे, उधर गेट से बाहर जाती थी, तो ये पीछे वाला गेट था पीकेएम का, तो इधर से आते थे हम लोग। आप तीनों का सेम स्कूल? हाँ तीनों का सेम था। नाना हम लोग के लिए एक रिक्शा खरीदे थे। अच्छा तो अरे हम लोग जाते आते थे। सेम हम लोग के पापा भी खरीदे थे गोरखपुर में। अच्छा। हम लोग के लिए रिक्शा जब हम लोग स्कूल जाते थे ना तो दूर था वो, तो हम लोग के लिए भी एक रिक्शा आया था। अच्छा। बोलिए। हम लोग संकट मोचन पहुँचने वाले हैं। संकट मोचन की यात्रा के बाद हम लोगों का और कई जगह जाने का कार्यक्रम है, अब देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाते हैं। कहाँ ये देखिए किनाराम स्थल, ये देखिए याद आया आपको किनाराम? आज का दिन बहुत बिजी होने वाला है। पवन को नहाने का बड़ा मन था, हम सोचे आपसे भी बोल लें कि आप भी साथ में जाइए। पवन को बहुत मन था नहाने का, नहाने का घाट। हाँ तो पवन चले कि नहीं? तो अरे पवन बेचारे तो बहुत व्याकुल थे सुबह से। भाई हमारे अपनी व्याकुलता आप बताओ। संकट मोचन मंदिर पहुँचने वाले हैं और अंदर फोन नहीं ले जा सकते तो अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। लोग अभी अभी दर्शन करके बाहर आ गए हैं और काफ़ी अच्छा लगा अंदर हम लोगों को, है ना मौसी? शांति मिली, बहुत सुकून, एक अलग सा अनुभव होता है। बस यही है कि अंदर फोन ले जाने नहीं देते तो कुछ भी पता नहीं चलता। अपना मतलब प्राइवेट जाता था, कोई भी ऐसे व्हीकल बाहर के नहीं जाते थे, तो हम लोग यहाँ से एनडी डिपार्टमेंट पैदल चलते हुए जाते थे। पूरे सारे डिपार्टमेंट एक जैसे बने हुए हैं और खूब हरियाली, पेड़ पौधे। हाँ अंदर से बहुत सुंदर है ना। पैदल चल के जाते थे, पैदल चल के आते थे। और अंदर इसके मंदिर भी तो है वो। हाँ विश्वनाथ मंदिर। हम लोग का जो वो था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ऑफिस था, फीस जमा होती थी, काफ़ी अंदर था, वहाँ हम लोग पैदल चल के जाते थे। फिर से मतलब जय विष्णु भगवान की हमको, हम टॉप किए थे। अच्छा एम ए में ऐसा टॉपर बैठी हुई है कौन से ईयर की? एम ए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 93 91 बैच की टॉपर। बताइए अब क्या बोल रही थी ये? अपने मामी के घर, मामी मामा के घर आई है, वहाँ पे जो है सारा कम चाय नाश्ता सारा सब कुछ होने के बाद दादी भी बात थी, उनको सब लोगों ने देखा और उनको बहुत सहानुभूति प्रकट की। उसके बाद अब हम लोग चलने का समय हो गया, तो मामी ने अपना मामी अपना परंपराओं का निर्वहन कर रही हैं, सारे सबका गोद भरना, विदाई करना, अच्छी व्लॉगिंग कर रही हैं हम जी। आप भी जो है वो अपना इस समय सरगम का टीका हो रहा है और वो भैया बता रही कि भैया बाहर निकल गया संकोच के मारे। ये देखो ये मिला है।
हम लोग यहाँ शीतला माता मंदिर आ गए हैं। आज यहाँ पे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा भीड़ है, तो हम लोग को गाड़ी से पहले ही उतरना पड़ा और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये मंदिर यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है, तो जब भी हम लोग यहाँ पे बनारस में आते हैं तब हम लोग इस मंदिर में जरूर आते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज्यादा कलरफुल हो जाता है सब कुछ। रथ पूर्णिमा होने की वजह से यहाँ पे कुछ ज्यादा ही भीड़ है, वरना इतनी भीड़ नहीं होती। झंडा चढ़ाने लोग लेके जा रहे हैं। ये वाला झंडा? हाँ नहीं, वो बड़ा ये पूरा झंडा है। अच्छा, तो वहाँ पे झंडे का वो सिरा वहाँ पे झंडा लेके जाएगा। तो जैसा आपने सुना ये झंडा जो है इतना बड़ा, ये माता को चढ़ाया जाएगा। तो ये चावल जो है वो दान में मिला हुआ है। आज पूर्णिमा होने की वजह से यहाँ पे भीड़ भी है और झंडा भी चढ़ाया जा रहा है। देख सकते हैं कि धूप की वजह से क्या हाल हो रहा है। गंगा जी आ गई। गंगा जी हैं हमारे सामने, अभी आपको वहाँ पहुँचना है। ये देखिए इधर सामने पे। तो ये आप देख सकते हैं हमारे सामने गंगा जी हैं ये, लेकिन पहले चलते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं माता के, फिर हम लोग यहाँ पर घूमने आएंगे। देख सकते हैं कि यहाँ का माहौल कितना ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा कलरफुल और चेयरफुल लग रहा है, और इतनी गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। पहुंच चुके हैं और अब सब यहाँ पे अपनी चप्पलें जो है वो उतार रहे हैं। हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये माला वाला पहन के तैयार हो गई हैं पंडित जी। आ तो गए। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये आप देख सकते हैं। अब इसकी स्टोरी मम्मी बताएंगी कि ये क्या होता है। बताओ मम्मी। यहाँ पे जैसे किसी की जो मान्यता रहती है ना, कढ़ाई चढ़ाने की प्रथा। कढ़ाई पे कढ़ाई चढ़ाना, पूरी हलवा ये बना के वो लगाते। कोई भी बना सकता है। ये दवना का माला है। ये देवी जी को बहुत पसंद है। ये देखिए अच्छा लग रहा है। अब हम लोग वापस जा रहे हैं यहाँ से, है ना। मैं मांग भी रहा था वो। एक फोटो बना दे क्या ग्रुप में।
त्रस्त होके ये लोग यहाँ पे बैठ गए हैं। जब तक चूड़ी की शॉपिंग हो रही है मम्मी और मौसियों की, तब तक ये लोग यहाँ बैठ के कोल्ड ड्रिंक का आनंद ले रहे हैं। हम लोगों को भी दो।